आज जो हमारी रेसिपीज है, दिस इज स्मूदी बनाना, ब्लूबेरी स्मूदी बना रही हूँ मैं। इसमें सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स जो मेन है वो चाहिए हमें बनाना। और ये हमारी जो रेसिपी है, दिस इज फॉर वन ग्लास, एक ग्लास के लिए आप भी लिख सकते हो एक ग्लास की रेसिपी, क्योंकि यहाँ पे टू ग्लासेस की है रेसिपी। वन ग्लास के लिए हमें एक बनाना, बहुत ज़्यादा अगर बड़ा है तो हाफ कप बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, बनाना बड़ा भी हो सकते हैं। तो हाफ कप बनाना, ब्लूबेरी अगर फ्रेश मिल जाती हैं तो 1/4 कप, और यू कैन पुट ब्लूबेरी सिरप, अगर सिरप मिलता है आपको तो 2 टेबलस्पून। आइसक्रीम 2 स्कूप्स वनीला आइसक्रीम, एंड शुगर 4 टीस्पून, और अगर आप सिरप यूज कर रहे हो तो 2 टीस्पून। मैम आइसक्रीम के बाद क्या है? आइसक्रीम 2 स्कूप्स, और आइसक्रीम के बाद 2 टीस्पून शुगर है, वो इग्नोर भी कर सकते हो अगर ज्यादा मीठा नहीं चाहिए, और उसकी जगह आप हनी डाल सकते हो 1 टीस्पून। मिल्क 1/2 कप, एंड हंग कर्ड 1/4 कप। सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे एकदम चिल्ड होने चाहिए, ठीक है, दूध चिल्ड होना चाहिए, बनाना चिल्ड होना चाहिए, और हंग कर्ड, ये हमने हंग कर्ड कैसे बनाते हैं, इसको कपड़े में मलमल के कपड़े में डाल के मैंने थोड़ी देर इसको बांध दिया था नलके के साथ, अभी ये थिक कर्ड निकलेगा, इसी के साथ हमारी स्मूदी बनेगी। और ये एक बार ही बना के आप उसको फ्रीज भी कर सकते हो, तो मतलब चिल्ड कर लो, और आपको अगर कमर्शियली करना होगा तो अलग बात है, उसके लिए तो फिर हमें बॉक्स में पैक करके रखना पड़ता है। और ये दही मेरे पास रेडी है, ठीक है, और सबसे पहले तो मैं इसमें डालूंगी बनाना, इसको भी मैंने चिल्ड किया हुआ है, वैसे एकदम फ्रोजन होना चाहिए जो रेसिपी है ना आपकी, फ्रोजन के साथ है, एकदम जैसे उसमें आइस होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, दिस इज ब्लूबेरी सिरप, सिरप नहीं है, दिस इज फ्रेश, आप फ्रेश ब्लूबेरीज डालोगे तो इसी के साथ ही डालनी है। नाउ ऐड लिटल मिल्क, अबाउट 1/4 कप मिल्क, ब्लेंड टूगेदर, इनको हम ब्लेंड कर लेते हैं। आप खाली कर्ड के साथ भी रेसिपी कंप्लीट कर सकते हो। नाउ 2 स्कूप आइसक्रीम लिखा हुआ है मैंने, ब्लेंड टुगेदर, फिर से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो शुगर डालने की जरूरत नहीं, नहीं चीनी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिरप डाल दिया ना हमने, बनाना तो चलो इतना मीठा नहीं होगा, हमने चीनी की जगह, हम अगर हम पल्प डालते हैं ना, फ्रेश बेरीज डालते हैं, तो शुगर डालनी पड़ेगी हमें। ये मेरे पास रेडी हो गया, अब एक गिलास को हम गार्निशिंग करेंगे पहले ये सिरप के साथ, सॉरी क्रश के साथ। यहाँ पे एक पाइपिंग बैग में डाल के भी इसको गार्निशिंग कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ मिक्सचर हमारा, पूरा 200 ml रेसिपी हमारी बनेगी ये एक गिलास की, ठीक है, और इसको अभी हम चिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि इतना चिल्ड नहीं है अभी, और इसकी गार्निशिंग करेंगे हम बाद में।
नाउ दिस इज रेडी टू सर्व। ये रेसिपी मेरी तैयार हो गई है बनके, दिस इज रेडी। अब मैं इसको फ्रीज कर रही हूँ, ठीक है। वैसे अगर सारी चीजें चिल्ड है तो आप ऐसे ही सर्व कर सकते हो। मेकिंग दिस मोका चोको कॉफी शेक। मोका मीन्स कॉफी होता है, पर दो बारी कॉफी शेक हो गया क्योंकि ये मोका भी कॉफी है। मोका और चोको मीन्स चॉकलेट और कॉफी शेक। एक नॉर्मल जो होती है कॉफी शेक जो हम बनाते हैं आइसक्रीम वाला या प्लेन, अगर आपने वो वाली रेसिपी लेनी है तो वो सेम सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है। इसमें एक्स्ट्रा कोको पाउडर डाला गया, ठीक है। तो वो आपको मैं वैसे बता दूंगी कैसे बनानी है, अभी मैं इसी को ही फॉलो करती हूँ। नाउ दिस इज वाटर 2 टेबलस्पून, मिल्क 1 कप, पाउडर शुगर 1 डेजर्ट स्पून, आइसक्रीम 1.5 स्कूप एंड कॉफी 1 डेजर्ट स्पून, दिस इज अबाउट 2 टीस्पून। नेस्कैफे कॉफी ले लेंगे वो बेटर रहेगा। कोको पाउडर 1 टीस्पून एंड चॉकलेट सिरप 1 टेबलस्पून। कंबाइंड वाटर कॉफी शुगर एंड कोको पाउडर एंड यू कैन माइक्रोवेव और इसको गर्म कर सकते हो गैस पे भी। देन कूल इट, देन ब्लेंड इट इन द चॉकलेट सिरप। जस्ट मतलब हल्का सा चर्न करना है और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी का सारा सामान, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले मैं तैयार करती हूँ इसके लिए कोको पाउडर। ये 1 गिलास के लिए हमारी जो रेसिपी है, मिल्क इसमें कितना लिखा हुआ है 1 कप, ये 1 गिलास, 200 का 1 गिलास है ये हमारा। ये बाय मिस्टेक लिखा है कॉफी और नेस्कैफे, दो बार नेस्कैफे डालनी है, कॉफी हटा देना ऊपर से, एक ही बात है। 1.5 टीस्पून कॉफी। अच्छा चलो, ये हमारे पास कोको पाउडर कितना है, 1 डेजर्ट स्पून नहीं होगा, 1 टीस्पून कोको पाउडर एंड कॉफी। ये 1 कप के 1 गिलास के लिए बहुत ही अच्छी वो रेसिपी है। और अगर आपको शुगर इसमें ऐड करनी है तो अभी इसी में चीनी ऐड कर लो, ठीक है। शुगर लिखी हुई है हमने, शुगर कितनी, 1 डीएसपी, ये हाँ 2 टेबलस्पून इज इक्वल टू 1 डीएसपी, ठीक है। तो मैं अभी इसमें चीनी थोड़ी कम ही रखूँ और इसको मैं पानी डाल के थोड़ा सा माइक्रोवेव करूंगी। और ये हल्का सा माइक्रोवेव करने से इसमें बहुत ही अच्छा एक अरोमा आता है। अब मैं इसको माइक्रोवेव कर रही हूँ, चाहे तो आप गैस पे रख के भी। इसको मैंने हल्का सा माइक्रो कर लिया और इसको थोड़ा ठंडा कर लो ताकि ये मिक्सी में आप चला पाओ। दिस इज रेडी। अब मैं इसको मिक्सी में चलाती हूँ। अगर आप ये रेसिपी कोल्ड कॉफ़ी के लिए भी आप बना लोगे ना, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। अब डीप ऑल की कॉफ़ी भूल जाओगे, बहुत बढ़िया बनती है ये, ठीक है। लोग बाहर कॉफ़ी पीते हैं, मैं कह रही हूँ घर में ज़्यादा अच्छी बनती है। चलो ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी मिल्क। शुगर मैंने इसमें 3 टीस्पून डाली है ना, 4 डालनी है क्योंकि 1 डेजर्ट स्पून है ना, 2 टेबलस्पून डलते हैं, मगर मेरे पास जो है ये टीस्पून है, टेबलस्पून नहीं है, ठीक है। तो टेबलस्पून नहीं मैंने यूज़ किया, टीस्पून किया है। मैं ये भी हो गया, दूध मेरा 1 कप लेना है हमने, ले लिया। अब इसको हमने और चर्न करना है अच्छे से। अब आइसक्रीम डालूंगी इसके अंदर। आइसक्रीम इज ऑप्शनल, अगर आप आइसक्रीम लेना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। अब सबसे पहले तो मैं ग्लास को गार्निशिंग करूँगी। ये देख लो, ये ग्लास को मैंने गार्निशिंग कर लिया। अब इसमें मैं
ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए। ठीक है, अब मैं डालती हूँ इसके अंदर कॉफ़ी। सबसे पहले तो आपको टेस्ट करना चाहिए कोई चीनी कम है या कुछ है। बहुत ही बढ़िया। अब हम इसको डालते हैं इसके अंदर, प्लस इसके अंदर एक स्कूप आइसक्रीम का डालूंगी। चाहे तो आप मिक्सी में भी चला सकते हो। ठीक है, आप मिक्सी में भी एक स्कूप चला देते हैं और अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसका। एक बार फिर से चला देती हूँ इसको। और इसको मैं थोड़ा सा स्टर करके और फ्रीज कर लेती हूँ अभी। ये मेरी चॉकलेट सिरप नहीं है, मैंने खुद का बनाया हुआ है वो है, तो इसलिए ये जम रही है, सिरप जमता नहीं है। ठीक है, तो अब इसको भी मैं रख देती हूँ और इस पर एक स्कूप आइसक्रीम डाल के थोड़े से चॉकलेट चिप डालूँगी गार्निशिंग के लिए। थोड़ा सा ये डाल दिया और थोड़े से चॉकलेट चिप डालते हैं। दिस रेसिपी इज़ रेडी। ठीक है, बहुत बढ़िया और टेस्टी है। हाँ जी, अभी हमारी नेक्स्ट रेसिपी जो है, दिस इज स्मूदी बॉल, और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसमें ये सारे इंग्रीडियंट्स चाहिए होंगे। दिस इज हॉर्न कर्ड एंड दिस इज ओट्स, हमने भिगो के रखे हैं दूध में, चाहे तो आप पानी में भी रख सकते हो। एंड दिस इज चिया सीड्स एंड दिस इज गनोला एंड दिस इज नट्स, और ये हमारे ब्लैक क्रम्स, दिस इज ग्रीन कार्डमम पाउडर एंड कुछ फ्रूट्स एंड हनी, हनी या चीनी दोनों में से एक चीज़ डाल सकते हो। सबसे पहले हम ये हंग कर्ड के अंदर हनी डालेंगे या चीनी डालनी है, जो भी आपका मन है वो दोनों में से एक चीज़ डाल सकते हो। और इसको एकदम स्मूथ कर लेना है हमने दही को। और अगर हम इसका थोड़ा सा टेस्ट कर लें, आपको कितनी शुगर चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आपको हनी भी नहीं डालनी तो शुगर फ्री भी डाल सकते हो। ठीक है, एक बॉल लेते हैं, इसमें मैं पहले ये डालूंगी कंफर्ट मिक्सर। अब उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ये वाला ओट्स का मिक्सचर। ये सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आपके बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। और इसके ऊपर मैं डालूंगी चिया सीड्स। चिया सीड्स को भी हमने भिगो के रख लिया पहले। और इसके ऊपर फिर से मैं एक चम्मच हनी का डालूंगी, क्योंकि गनोला और ये जो है ना हमने डाले हैं, इनको थोड़ा सा स्वीट करने के लिए हम थोड़ी सी हनी डालेंगे इसके ऊपर। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा गनोला डाल देते हैं। और इसके ऊपर डाल दूंगी मैं फ्रूट्स।
ये ब्रेकफास्ट में अगर आप एक खा लो तो इसके बाद आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो डिनर में भी, मैं तो कई बार डिनर में भी इसको ले लेती हूँ। रोटी खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर आप अच्छे से ये चीज़ें खा लो तो ये भी काफ़ी हेल्दी हो जाती हैं, फिलिंग होती हैं इनसे भी। फ्रूट्स डाल दिए थोड़े से, ये मैंने लीची डाली है, आप कोई भी डाल सकते हो, ग्रेप्स भी डाल सकते हो, और मैंगो डाल रही हूँ। और इसके ऊपर मैं डालती हूँ थोड़ी सी चेरी, थोड़ा कलर आने के लिए, कलर दिखाने के लिए। चेरीज आजकल फ्रेश भी मिल रही हैं, वो भी डाल सकते हो आप। ये मेरे पास ड्राई वाली चेरीज हैं, मैंने वो डाली हैं। यू कैन पुट फ्रेश चेरीज एंड दिस इज ब्लैक करंट्स। बेरीज भी ले सकते हो, ब्लूबेरीज वगैरह आती हैं ड्राई, वो भी ले सकते हो आप। दिस इज नट्स, अब इसके ऊपर आप ग्रीन कार्डमम पाउडर अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, इग्नोर करना चाहते हो तो इग्नोर भी कर सकते हो। इसमें जा रहे हैं ओरियो शेक, इसमें ओरियो बिस्किट्स चाहिए हमें। ये ओरियो बिस्किट्स मेरे पास पड़े हैं विद क्रीम, ऐसे क्रश करेंगे। और मिल्क पाउडर, शुगर एंड वनीला एसेंस एंड आइसक्रीम स्कूप्स टू। पुट ओरियो बिस्किट्स इन अ ब्लेंडर एंड मेक पाउडर। पहले इसका पाउडर कर लेते हैं। इसमें एक गिलास में कितने बिस्किट चाहिए हमें? चार बिस्किट चाहिए, ठीक है। और इसको जो आप ब्लेंड करोगे ना, ड्राई होना चाहिए। अब वो दूसरी मिक्सी में हम लेते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स। देयर इज शुगर, चॉकलेट सिरप, मिल्क एंड वनीला एसेंस। पहले तो ये लेंगे, इसी में डालेंगे। या इसी में बना लेते हैं, फिर निकालना थोड़ा मुश्किल है इसमें से। इसी में चर्न कर लेते हैं। इसी में डाल देती हूँ मैं, दिस इज चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सिरप कितना डालोगे? अबाउट टू टेबलस्पून लिखा हुआ है वैसे मैंने रेसिपी में, चॉकलेट सिरप और वन टेबलस्पून लिखा हुआ है, ठीक है, वन टेबलस्पून ही होगा। एंड शुगर डाल दी इसमें, प्लस इसमें दूध डाल देती हूँ। और वनीला एसेंस डाल देते हैं। अगर हंकर्ड होगी तो मैम? हंकर्ड आपका हाफ कप है, और उसके साथ भी थोड़ा सा दूध डालेगा चर्न करने के लिए। नाउ चर्न इट, ग्लास दे दो लंबा वाला, प्लेन वाला। मैं इसके अंदर थोड़ा सा ग्लास को, थोड़ा छोटा ग्लास दे दिया इसमें। पहले हम इसको गार्निशिंग कर लेते हैं। इसका
आइसक्रीम इसके अंदर डाल के भी चेंज कर सकते हैं, वन स्कूप, और वन स्कूप ऊपर से डाल दें। अब मैंने इसके अंदर नहीं डाली है, सिर्फ ऊपर ही डाल रही हूँ। नाउ दिस इज रेडी। इसमें हम एक ओरियो बिस्किट लगा देंगे गार्निशिंग के लिए, मगर अभी ये मैं नहीं लगा पाऊंगी, ये अंदर डूब जाएगा, टेम्परेरी रख देते हैं। ठीक है, ये रेडी है, तैयार है। इसमें लगाएंगे बाद में जब ये थोड़ा चिल्ड होके सेटल हो जाएगा, फिर रखते हैं। और थोड़े से बिस्किट तोड़ के भी डाल सकते हैं, उसमें नहीं ऐसे डाल। अभी हमारी नेक्स्ट रेसिपी है मैंगो शेक। मैंगो शेक के लिए हमने चॉप मैंगोज ले लिए 1 कप, एंड मैंगो क्रश 1 टेबलस्पून, आइसक्रीम 2 स्कूप्स, शुगर 2 टीस्पून, मिल्क 1.5 कप, एंड मैंगो एसेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स, एंड एसेंस और कलर अगर डालना है तो पिंच ऑफ कलर डालेंगे। और इसमें हमने मिल्क कितना लिखा हुआ है, 1.5 कप, और ये नीचे वाला मिल्क काट दो। ब्लेंड टूगेदर मैंगो एंड क्रश एंड शुगर। अच्छा, मेरे पास क्रश नहीं है, मैं उसकी जगह ना मैंगो फ्रूटी डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए। मैंगो क्रश की जगह इधर देख लो फ्रूटी डाल रही हूँ मैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फ्रूटी 1/4 कप डाल दिया मैंने, और शुगर डाल रही हूँ, कितनी लिखी हुई है आपके, 2 टीस्पून। थोड़ा सा ना शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो, कई बार आम खट्टा होता है तो थोड़ी शुगर ज़्यादा भी डल सकती है। ठीक है, थोड़ा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कर लो। बाद में अगर ऐड करनी है आपको तो कैसे ऐड करोगे, पाउडर शुगर चक वो दूसरी शुगर लेके ना, आइसिंग शुगर लेके यूज़ कर सकते हो। और इसमें मैं डाल रही हूँ मैंगो एसेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स। मिल्क कौन सा काटना है मैम, इसमें 2 टेबलस्पून और 1/4 एसेंस, सिर्फ 2 ड्रॉप डालने हैं। एक सेकंड, ये मैंने डाली है मैंगो फ्रूटी, या मैंगो क्रश डाल सकते थे, और शुगर मैंने 2 टीस्पून इसलिए लिखाई है कि क्रश भी काफ़ी मीठा होता है, और अगर हम फ्रूटी डालते हैं वो भी मीठी होती है। और फ्रूट मैंगो जो है अगर आपका ज़्यादा खट्टा है तो वो थोड़ा अंदाजे से ऊपर नीचे कर सकते हो। कलर एसेंस ये सारा डाल के मैं इसको चर्न कर रही हूँ। शेक बनाते हो ना, कई आम दूध चीनी सब चला देते हैं इकट्ठे, वो गलत तरीका है। आप पहले मैंगो को चलाओ थोड़े से पानी के साथ या दूध के साथ, उसको थोड़ा कलर और चीनी सब डाल के, जब वो इस तरह से ये थिक हो जाता है, चर्न हो जाता है, उसमें आम के टुकड़े भी रह जाते हैं जब इकट्ठा चलाते हो तो, ये देखो एकदम पल्प तैयार हो जाता है। अब इसमें दूध डालो, दूध 1 कप दूध का डालना है हमें। आजकल थिक शेक बहुत चल रहे हैं, थिक शेक में 1/2 कप दूध का डलेगा बस, वो साथ में चम्मच भी देते हैं। और इसमें मैं आइसक्रीम भी साथ ही में चर्न कर रही हूँ। थिक शेक विद आइसक्रीम होता है, थिक शेक बना के ऊपर 2 स्कूप आइसक्रीम का डाल देते हैं बस, साथ में चम्मच लंबा वाला देते हैं। थिक शेक भी आजकल इन है काफ़ी। इसमें क्या क्रीम भी यूज़ की जाती है? नहीं नहीं, क्रीम गार्निशिंग ऊपर कर दो बस। नहीं थोड़ा सा एक्चुअली क्या था, वाइट तो होता है पल्प ज्यादा, दूध कम। अब ये मेरा
थिक शेक नहीं है, मैंने अभी बोला अगर आपने थिक शेक चाहिए तो व्हाइट ज़्यादा रहता है। आइसक्रीम डली होती है और कुछ नहीं, आइसक्रीम हाँ। हाँ। काफ़ी अच्छा थिक शेक है। ये मेरे पास तैयार हो गया मैंगो शेक।